धड़की वाले पिपला खूंटा वाले बाबा का सपना पूरा करने के लिए उनके उत्तराधिकारी दयाराम जी महाराज संकल्प पूरा कर रहे हैं। पीपल खूंटा वाले गुरुजी जमुना दास जी महाराज ने 1980 में केसूर में हनुमान मंदिर के साथ साथ राम दरबार का भी संकल्प लिया था, जो आज पूर्ण होने जा रहा है। पीपल खूंटा वाले गुरुजी दयाराम जी महाराज ने बताया कि गुजरात के इंजीनियर से एस्टीमेट बनाकर नक्शा बनाया जा रहा है। इसी के अनुसार राम दरबार, शिव मंदिर एवं माता जी का मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसमें यज्ञशाला एवं बगीचे का भी निर्माण होगा। कैसर के दानदाताओं ने मंदिर निर्माण के लिए अपने तन मन धन से सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर कैसर के प्रतिष्ठित व्यवसायी दीपक राठौर ने 5,01,151 गुरुजी के समक्ष देने की घोषणा की। 22 तारीख को इस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा एवं समिति का भी चयन होगा। कैसर से अनिल परमार की रिपोर्ट। सन 1989 में आप पूर्व गुरुजी जमुना दास जी महाराज ने यहाँ जो शिलान्यास किया था, उसका पुनरुद्धार आपके द्वारा हो रहा है। काय काय के मंदिर बनेंगे यहाँ पे? यहाँ सर्वप्रथम तो जो बाबा जमुना दास जी महाराज पीपल खूंटा धाम वाले दाड़की वाले बाबा के नाम से इस क्षेत्र में उनकी कीर्ति नामना काफ़ी मात्रा में रही और आज भी है, तो उनके हाथ से जो यहाँ पर राम मंदिर की नींव का पुनः जो अपने को जीर्णोद्धार करना है, तो अब एक यह है कि अपने को सभी लोगों का जन सहयोग लेकर और अच्छा मंदिर निर्माण भवन करने का अपना जो संकल्प है उसको पढ़ने प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें राम दरबार, शिव जी और माता जी की मूर्ति स्थापित होगी? हाँ, इसमें क्या है, राम दरबार तो पहले से ही निर्धारित है और बाबा जमुना दास जी महाराज ने इसका प्रस्ताव भी आज से लगभग 30-35-40 साल पहले नींव भर गए, लेकिन अब उसके साथ साथ में जो नया जीर्णोद्धार का अपने कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें माँ जगदम्बा और भगवान नर्मदेश्वर शिव जी की भी स्थापना राम दरबार के साथ में होगी। गुरु जी, आपका परिचय दे दीजिए। हम श्री हनुमंत निवास आश्रम पीपल खूंटा दाड़की वाले बाबा का स्थान जो झाबुआ जिले मेर नगर के पास में स्थित है वहाँ से है, और ये रामनगर, केसूर, सादलपुर, ये धार जिला जो मालवा क्षेत्र माना गया है, हमारे बाबा जमुना दास जी महाराज का ये सेवक परिवार का ये क्षेत्र है, तो उनके हाथ से जो भरी हुई नींव है उसको आगे अपने को जीर्णोद्धार नया निर्माण मंदिर बनाना है। थैंक यू।